हेलो एवरीबॉडी, मैं हरीश कुमार चंद्रा यहाँ डॉली कोचिंग मेथड से। गाइस, मुझे मैम ने कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो ब्लड को डोनेट करने से बचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में ब्लड डोनेट करने से शायद कुछ कमी हो जाएगी, बट ये सच नहीं है। सबसे पहले तो ये जाने कि ब्लड है क्या। ब्लड एक मिक्सचर है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग पार्ट में वाटर में बहुत सारी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स हम जो है मिले रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में लिविंग ब्लड सेल्स फ्लो करती रहती है। ये ब्लड सेल्स तीन तरीके की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। जहां तक मैं जानता हूँ, सभी लोग ब्लड को जानते हैं कि ये ब्लड चढ़ाने से हमें कुछ नुकसान होता है या कमजोरी आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया आरबीसी, 125 डेज में अपने आप ही शरीर में नष्ट हो जाती हैं। इतना ही इनका लाइफ स्पैन होता है, यानी जीवन काल इनका 125 डेज के आसपास ही होता है, ह्यूमंस की बात करें तो। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 2-5 दिन होता है, यानी 2-5 दिन में आपके डब्ल्यूबीसी भी मरने हैं और आपकी आरबीसी भी मर जाना है। तो जब ये चीज शरीर में मर के ही कचरे के रूप में बाहर निकलनी है, तो इसके मरने से पहले अगर हमें किन्हीं को डोनेट कर दें तो किसी की लाइफ बच सकती है। बात करें इनके शरीर में बनने की प्रोसेस को, तो हमारे शरीर में जो लंबी हड्डियों के जोड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं उसके अंदर एक गुदा भरा होता है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो की जो सेल्स होती हैं, जब वो डिवाइड होती हैं तो उनमें आधी सेल्स तो वहीं रुक जाती हैं और आधी सेल्स ब्लड बनकर बाहर निकलती हैं और ब्लड का हिस्सा बन जाती हैं। तो जो सेल वहां रुककर लगातार डिवाइड होती रहती है वो हमारा बोन मैरो। जैसे एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनी, एक सेल तो वहीं रुकी रही है, दोबारा डिवाइड होगी और जो दूसरी सेल बनी वो बाहर आकर ब्लड का हिस्सा बन जाएगी। इस तरह से ब्लड हमारे शरीर में लगातार बनता रहता है। अगर हम किसी को ब्लड डोनेट कर देते हैं तो हमारा बोन मैरो नया ब्लड बनाएगा और नए ब्लड की क्षमता एफिशिएंसी पुराने ब्लड से ज्यादा होगी, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से कैरी करेगा और जो है हम बहुत अच्छा फील करेंगे। जो ब्लड हम देते हैं लगभग 3 महीने में पूरी तरह से रिकवर होकर ब्लड देने के लिए हम दोबारा तैयार हो जाते हैं। तो ब्लड जब हमारे शरीर में बार बार बन रहा है, नया ब्लड बन रहा है, तो हम अपने पुराने ब्लड को अगर किसी को डोनेट कर दें तो उसमें क्या हर्ज है। इसमें हम कई लोगों के जीवन बचा सकते हैं और वैसे भी हम अपने जीवन में पता नहीं नोबल वर्क कर पाते हैं नहीं कर पाते, उतना समय हमारे पास है नहीं है। तो एक तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने खुद की संतुष्टि के लिए कि कहीं तो हम नोबल वर्क कर रहे हैं तो हमें ब्लड को डोनेट करना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो पुरानी आरबीसीज होती है वो कहाँ हमारे बॉडी में हटती हैं? अगर एक मोटे तौर पर बताया जाए तो हमारे बॉडी में स्प्लीन होता है लीवर के पास, तो जब आरबीसी इस स्प्लीन में से होकर गुजरती हैं तो यहाँ इतनी महीन ब्लड कैपिलरीज होती हैं कि वहाँ नई और फ्लेक्सिबल आरबीसी तो पास हो जाती हैं उससे, लेकिन जो पुरानी आरबीसीज होती हैं वो वहाँ डेड हो जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, रुद्राणुओं का कब्रिस्तान। हालांकि यहाँ पर बहुत सारा ब्लड जमा भी रहता है, तो जब कभी हमारे शरीर को ब्लड की जरूरत होती है तो इस स्प्लीन में से बहुत सारा ब्लड शरीर में छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो देखें, हमारे शरीर में ब्लड बन भी रहा है और नष्ट भी हो रहा है, क्यों ना हम इसे नष्ट होने से पहले किसी को डोनेट कर दें तो ये किसी के काम आ जाए। तो गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 ब्लड को डोनेट करके लोगों का जीवन बचाइए। थैंक यू।